आरके म्यूजिक प्रेजेंट्स के बीच में आमंत्रित करता हूं उस कलाकार को जिन्होंने हरियाणवी संस्कृति को हरियाणा यूपी राजस्थान बंबई नहीं विदेशों तक पहुंचाया। पहले अगर हम गाने सुनते थे तो पंजाबी ही सुनते थे या रागनी थी, लेकिन भाई रामभेर महला जिन्होंने इस ट्रेंड को चेंज किया, अब पंजाबी हमारे गाने सुनते हैं और पंजाबियों के गाने विदेशों में बजते थे, अब हरियाणा के गाने विदेश में बजते हैं और उनकी शुरुआत की मेन चीज होती है नई राही बनाना। बाद में तो सब चल जाते हैं उसके ऊपर, लेकिन जो नई राही नई शुरुआत की वो की भाई रामभेर महला ने, जिनकी कलम का कोई तोड़ नहीं है में बजते हैं। बाकी कवि तो रेवी लिखणिया इसे नाश्ता रहे हैं, लेकिन भाई साफ सुथरा लिखते हैं, बड़ा अच्छा गाते हैं, हमारे क्षेत्र में आए हैं, हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, एक बार जोरदार तालियां इस फनकार के लिए। भाई रामभेर महला किसी के परिचय का मोहताज नहीं है, तो एक बार फिर हार्दिक स्वागत है और एक मधुर सी धुन के साथ भाई रामभेर महला आपके मध्य। बोल सच्चे दरबार की जय हो। क्या आपने बताया हमारे साथी कलाकार ने भी बताया कि हरियाणा की आन बान शान धान कुछ नहीं है, खेती बाड़ी करनी, अब बंदा था शोक शोक में गाने लिखने लग गया, आपने पसंद आ गए, इसलिए हर स्टेज पे एक बात कहता हूँ कि जब तक आपका प्यार है तब तक रामभेर महला कलाकार है, नहीं तो माँ की से उल्टा फिर जमींदार है। आपके प्यार की वजह से कलाकार बने हूँ और आन बान शान वाली कोई बात नहीं है। जब से लॉकडाउन लग गया 1.5 साल हो गई, वो कोरोना आए ऐसी खतरनाक बीमारी मेरे ख्याल में विश्व में पहली बार आई कि देश के देश बंद हो गए, है ना। और दूसरी बात हमारे लिए खतरनाक इसलिए है क्योंकि जब से कोरोना लग गया तब तक घर आए हैं, दो बालक है, दोनों बाहर पड़े हैं, एक लुगाई का मांगी सो मुंह देख देख के बोर हो गया मैं। साचली बात तो भैया घने मजाक सजाक करूंगा नहीं, सच्ची है घने मजाक सजाक तो अपने भाई साहब आ रहे हैं जिसमें आसन की रसायन की मशीन है नरी, इनका तो मुंह देख के जी लग जाए, बोलेगा सच्चे दरबार की। तो जितना भी नाम धाम आपने सुना है, माफी चाहता हूँ मैं घना अच्छा गायक नहीं हूँ, गायक तो अलबत्त में हूँ ही नहीं, तो जितने भी गाने आपने सुने अच्छे सुने माड़े सुने पता नहीं, लेकिन जो भी सुने वो सारे गाने लगभग मेरे लिखे हुए हैं। गाना गोना मेरे को नहीं आता, एक दो भजन में गाने खातर आया हूँ, वो मैं आपके सामने पेश कर देंगे क्योंकि राम के नाम लेने में कोई बुराई को नहीं होती, कोनी होती नहीं, एक दो भजन गा दूं फिर पीछे लेने जोगा हो जाऊंगा, मेरे ख्याल में कम साथ जाएगा मेरा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। हर कलाकार एक बात कहे, अगर छोटी मोटी गलती हो जाए तो माफ कर दियो, मैं तो न्यू कू छोटी मोटी गलती हो जाए तो मैंने बता दियो प्रधान जी ताकि उसने सुधार लिया दोबारा ना हो, है ना। हर घनी मोटी गलती हो जाए तो अपने 150 रुपये देकर ठीक करा लियो, दूसरे ठीक कर दिया। बोल सच्चे दरबार की जय हो। तो सबसे पहले एक अरदास आप सबके लिए, मेरे सुनने वालों के लिए, जैसे मैंने बताया कि आपका प्यार है तो महिला कलाकार है, नहीं तो उल्टा फिर जमींदार है। वैसे हरियाणा में बड़े बड़े जटाधारी लटाधारी कलाकार आपने देखे हैं, यो मांझा धोया एक ही है, कोशिश करी है हमेशा साचली बात है जी, कलाकार की बात को नहीं, मैं तो खेती बाड़ी करनी है बंदा तो सीधी सीधी बात बोलिया करूं, आपके प्यार तो ही कलाकार बने हैं, तो कोशिश करूंगा एक दो भजन आपके बीच में रखने की। रही बात है जैसे भाई ने बताया कि सभ्यता के साथ देखो मनोरंजन करने के दो तरीके हैं, एक तो माँ ने माँ कह दो, एक बाबू की बू कह दो, लुगाई तो भाई है ना, माँ ने माँ कहेंगे तो सारा ना अच्छे लगेंगे, बाबू की बू कहें तो सारा ना बुरे लगेंगे। तो मैंने सभ्यता के साथ मनोरंजन करने की कोशिश करी, गाना चाहे देवर भाभी का लिखा हो चाहे मियाँ बीबी का लिखा हो, लेकिन कोशिश यूं करिए कि उसको ठीक ठाक आवाज में लोग सुन सके, है ना। बोलेगा सच्चे दरबार की क्या बात है कि संत की तो छाया मात्र से ही सुकून मिलता है, संत की तो छाया मात्र से ही सुकून मिलता है, ये सच्ची बात है, बसरते हो संत हो। वैसे हरियाणा बाबे भीतर बहुत पड़े हैं,
बोलेगा सच्चे दरबार की। चलो कोशिश करते हैं एक दो हाजिरी रखने की। सबसे पहले एक दुआ उस परमपिता परमेश्वर से आप सबके लिए, सबका मालिक आंगली करके बताओ, सबका मालिक एक, फिर जगह जगह क्यों पूजा करा दी अंडिया करो। तो एक की सृष्टि में चलते हैं, भगवान महादेव की शरण में चलेंगे, नाथों की शरण में रहेंगे, इतना अच्छा दरबार लग रहा है। तो सबसे पहले देखो, हर कोई अपने लिए मांगता जब भी दरबार में जाए, हर कलाकार का अपना अपना अंदाज है। आजा बाबा, ले जा बाबा। हेलो, हर कलाकार का अपना अपना अंदाज होया करे कि आजा बाबा, दे जा बाबा, ले जा बाबा, सो जा बाबा, पी जा बाबा, खा जा बाबा, दे जा बाबा, है ना। वो तो मैंने आंदे नहीं, जिसा कहा कोशिश करूंगा। देखो जागरण का मतलब जागना है, और जागरण का मतलब नींद खराब करना नहीं है। एक कलाकार की एक कही हुई बात अगर एक भगत के पल्ले पड़गी तो आज का जगराता कामयाब है, अरे नहीं तो बाबू आवे नहीं ताली बाजे, सीधी सी बात है। तो अपने लिए हर कोई मांगता है, लेकिन मैं सबसे पहले जिस भी मंच पे गया हूं, जिस भी दरबार में गया हूं, तो सबसे पहले एक दुआ मांगा करूं मेरे सुनने वालों के लिए। क्योंकि थामी राजी हो तो मैं राजी हूं, क्योंकि मेरी किस्मत का फैसला, मेरी जिंदगी का फैसला आप लोगों ने करा है कि एक छोटे से अदना से जमींदार को एक फौजी के बालक ने इस लेवल पे खड़ा कर दिया, वरना माँ के बचपन में मैं भी थाली तरिया उड़ी बैठ के सुना करता। लेकिन सुनने का भी अपना मजा है, ठीक ढंग से सुने जा तो क्यों बाबा जी। तो कोशिश करूंगा जी, सबका मालिक है एक, एक, एक उस परम पिता परमेश्वर की शरण में चलते हैं और उससे एक अरदास लाते हैं आपके लिए। आइएगा जी,